हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। और ये वर्कशीट है एक तारीख की, 121 नंबर की, कक्षा पांचवी के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम, कोण, डिग्री, घड़ी। तो ये कोण, डिग्री, घड़ी क्या होता है? समकोण तो हमको पता था, समकोण जो 90 डिग्री है, लेकिन कोण, डिग्री, घड़ी, ये आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि हम कोण को माप भी सकते हैं? जैसे कि हम किसी रेखा को फुट्टे से नापते हैं, कोण को मापने के लिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होता है। जैसे आप कोई रेखा खींचते हैं बच्चों, तो रेखा को आप या किसी फुट्टे से नाप सकते हैं या आप अपना रूलर, स्केल ले लो, उससे नाप सकते हो। उसी प्रकार जैसे कोण बनाया हमने, हमने समकोण बनाया हो या उससे अधिक कोण बनाया हो या न्यूट कोण बनाया हो, तो उसको भी नापा जा सकता है। कैसे? जब आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को खोलेंगे तो उस कुछ इस प्रकार दिखता है और उसे कहते हैं प्रोटेक्टर। जब आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोलेंगे, आपको ऐसी एक चीज दिखेगी, उसे कहते हैं प्रोटेक्टर। जैसे रेखा को हम सेंटीमीटर, मीटर की इकाई में नापते हैं, तो जो रेखा होती है उसको कैसे नापते हैं? या तो मीटर की में नापते हैं या सेंटीमीटर में नापते हैं। उसी तरह कोण को हम डिग्री की इकाई में मापते हैं, जिसका चिन्ह ये है। तो कोण को किस प्रकार नापा जाता है? डिग्री में, और डिग्री का चिन्ह होता है ये छोटा सा ऐसे। अब जैसे 90 डिग्री में बोलूं तो 90 डिग्री कैसे होगा? 90, और जो ये चिन्ह है इसको हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है। 60 डिग्री, ये 60 और यहाँ लगाया ये चिन्ह, डिग्री, ठीक है। समकोण का माप 90 डिग्री होता है, सबको पता है। राइट एंगल समकोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री। देखो यहाँ पे लगाया है डिग्री का चिन्ह। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के सभी कोण समकोण से कम, न्यून कोण होते हैं। ये मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो, जो आपकी मैथ्स की वीडियो आई थी इससे पहली वाली, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें एक एक चीज समझाई है कि न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, ठीक है। आपको मैं एक बार शॉर्ट में फिर से यहाँ बता देती हूँ। तो जो 90 से कम, यहाँ से यहाँ तक का है, ये 90 से कम है, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, ये 90 है, तो 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, तो जो 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, ठीक है, वो हो गया, क्या हो गया? न्यून कोण, उसे कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। ये हो गया आपका न्यून कोण। फिर जो 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, कितने डिग्री तक? 90 से 180 तक। जो 90 से 180 तक के बीच का है वो हो गया 90 से ज्यादा, समकोण से ज्यादा, तो वो हो गया अधिक कोण, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं समकोण से जो बड़ा कोण हो गया वो हो गया अधिक कोण, और जो समकोण से कम हो गया वो हो गया न्यून कोण, और जो 90 है वो है समकोण, ठीक है। कोण मापने के लिए यदि आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो आप खुद ही कोण, डिग्री, घड़ी बनाकर कोण माप सकते हैं। अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो आप खुद का कोण बना सकते हैं, कोण, डिग्री, घड़ी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक कागज लीजिए और उसमें से एक गोला काट लीजिए। कागज लेके एक गोला काटिए, दूसरा उसे गोले को आधा मोड़ लें, फिर उस गोले को आधा ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब उसे एक चौथाई मोड़ लें, आप पहले आधा मोड़ा, अब एक चौथाई, ठीक है। जैसे ये कागज था, आपने पहले इसको ऊपर से नीचे यहां तक मोड़ दिया, तो फिर अब इस तरफ से भी उस तरफ को मोड़ दीजिए, फिर एक बार फिर से मोड़े, फिर आपको एक बार और मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बार और देखो, अगर ऐसे मोड़ा तो आपको ये वाली बीच की लाइन मिल गई, इस तरफ से मोड़ा तो आपको ये वाली लाइन मिल गई, फिर जब एक बार और मोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बिल्कुल कैसे, एक बार और कैसे मोड़ना है? पहले ऐसे और फिर इस तरीके से, ठीक है।
अब आप कागज को खोल ले, जैसे ही कागज को खोलेंगे आपको उस पर रेखाएं दिखेंगी, कुछ इस प्रकार की रेखाएं दिखेंगी। अब सेंटर से एक तीर बनाएं। अब बीच में से, सेंटर मतलब ये हो गया बीच में से एक ऐसे तीर बनाना है जो ये दिख रहा है। यह आपकी कोण घड़ी का 0 डिग्री होगा, यह आपकी कोण घड़ी का 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। अब कागज के नीचे कोई पुराना गत्ता चिपका दे उसे मजबूती देने के लिए, तो कागज के नीचे एक गत्ता चिपका दे ताकि वो थोड़ा मजबूत लगे और मजबूत रहे भी, पेपर तो फट जाता है। एक मोटे गत्ते से लाल रंग का एक तीर अलग से बनाएं, तो फिर एक अलग से एक अलग रंग ले लीजिए और उस रंग से ऐसा एक लाल तीर बना दीजिए जैसा इन्होंने बनाया है। लाल गहरे रंग के तीर को ड्राइंग पिन से सेंटर पर लगा दे, जो वो पिन आती है ना जो बोर्ड पे भी लगाते हैं ग्रीन बोर्ड में, वो पिन यहाँ पर लगा दे बीच में, कुछ इस तरह की तीर पूरी तरह से घूम सके। वो पिन इस तरीके से लगाना है कि ये पूरी गोल तरीके से घूम सके, जो ये लाल वाला आपका तीर है, ठीक है। अब ये तीर आपने अलग से लगाना है गत्ते से ताकि आप इसे मूवमेंट करा सके, घुमा सके। अब आप उन रेखाओं पर डिग्री अंकित करें, ठीक है। अब डिग्री लिखेंगे, ये 0, ये वाली 45, ये 90, ये 135, ये 180, और हमें इतने तक की जरूरत है। आपकी कोण डिग्री घड़ी तैयार है। अब आप अपनी कॉपी में कुछ कोण बनाइए और इस घड़ी से पता लगाइए कि आपका कोण किन कोणों के बीच में है, 0 से 45, 45 से 90, 90 से 35 या 135 से 180। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में आप क्या करेंगे, कोण बनाएंगे और फिर इसकी मदद से देखेंगे कि वो 90 से ज्यादा है, 90 से कम है या 90 है। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ कोण बनाने हैं और अपनी कॉपी में, जैसे मान लो आपने ये बनाया एक कोण, ठीक है, कुछ भी आपने दो आप तीन चार बना के दिखा देंगे, ये हो गया आपका एक कोण आपने बना लिया, स्केल की मदद से बना लीजिए, फिर आपने एक कोण ये बना लिया, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है, आपने ये कोण बनाया, एक मिनट, ये हो गया थोड़ा सा गड़बड़, इसे यहाँ टच होना था ऊपर, ये हो गया यहाँ से ये, फिर आपने एक और बना लिया इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हमने इसे बना लेते हैं, कैसे, रुकिए रुकिए, ये यहाँ से ये गलत हो गया है, इससे पहले पूरा कर लेते हैं और फिर यहाँ पे मैं बनाती हूँ खुद से, और एक आपने बना लिया ऐसे, ठीक है। तो देखिए तीन कोण बनाए हैं, अब आपको बताना है ये कोण किस किस के बीच में आएगा। तो अपनी कोण वाली घड़ी या प्रोटेक्टर की मदद से आप देखेंगे, तो जब आप देखेंगे ये वाला कोण जो आपने बनाया, तो ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये आया होगा आपका 120 के आसपास। तो ये किस किस के बीच में आएगा, देखो यहाँ पे कहीं पे आपका 90 आया होगा, तो ये 90 और इधर कहीं 135 होगा, तो 90 और 135 के बीच में होगा आपका 120। तो आपने लिखना है ये एंगल आपका किस किस के बीच का है, 90 डिग्री से 135 डिग्री के बीच का। इसी प्रकार ये हो गया 90 डिग्री, तो ये किस किस के बीच में आया आपका 90 डिग्री, फिर आपने वो लिखना है। तो यहाँ कहीं आपका होगा 45, ठीक है, 45 होगा, और यहाँ कहीं आपका जो 135 है, तो 45 और 135 के बीच में ही तो आ रहा है ये 90, लेकिन आप इसमें सीधे 90 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि ये समकोण है, ठीक है, समकोण हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और ये हो गया आपका, अगर मान लेते हैं 30 डिग्री है, नाप के देख लेना है 30 डिग्री के आसपास है, तो ये किस किस के बीच में है, ये 0 डिग्री और यहाँ कहीं होगा 45, तो ये 0 और 45 के बीच में आ रहा है, तो आप लिखेंगे 0 डिग्री से 45 के डिग्री के बीच में आया 30 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे करेंगे। और
अभिभावकों के लिए सुझाव है कि घर के किसी भी खुले दरवाजे को बंद करने पर दरवाजे का कोण समकोण से छोटा होता चला जाता है। बच्चों को धीरे धीरे दरवाजा बंद करके यह अवलोकन करवाएं। तो बच्चों क्या होता है, जैसे ही घर का अगर आप दरवाजा देखेंगे, ठीक है, पीछे की थोड़ी सी नॉइज है उसे अवॉइड कीजिएगा गाड़ियों की। हाँ, अगर घर के दरवाजे की बात करें तो घर का दरवाजा आप जब देखेंगे, जब खुला होता है तो वह एल शेप बनाता है, तब वो समकोण वाली पोजीशन में है, लेकिन जब आप उसे बंद करते चले जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, समकोण से छोटा होता चला जाएगा और आप उस चीज़ को नोटिस करेंगे। कोविड से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो।